हेलो गाइस, आई एम दिलीप विश्वास। वेलकम टू टैलेंट हब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सब एक्सेल में लाए हैं, एक्सेल में कैसे फॉर्म क्रिएट करोगे, ठीक है। वो भी विदाउट VBA, कोई VBA का जरूरत नहीं है, फिर भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। देखिए उसी वही ट्रिक्स को आज हम सब दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या काम है, देखिए मैं एक्सेल को ओपन करके रखा हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर छोटा सा MIS डेटा देख रहा हूँ, ठीक है ना। इसी डेटा को क्या करना है, सबसे पहला काम है टेबल में कन्वर्ट करना। कैसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं, Ctrl+T, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एंटर, हाँ हेडिंग ऑलवेज सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो सिलेक्शन है मेरा, देखिए लिखा भी है, क्लिक है माय टेबल एज हेडर, तो ओके एंटर कर दीजिए। बस ये क्या हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता चला गया टेबल में कन्वर्ट हो गया, एक तो देखिए बटन आ चुका है, और एक देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टेबल टूल्स। अभी मैं कर्सर को बाहर जब क्लिक करेंगे तब ये हट जाएगा, जब इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आएगा टेबल टूल्स, मतलब टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल का क्या नाम है, टेबल 7, क्लियर हो गया। ये है पहला स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप, अभी फॉर्म को लाना है, फॉर्म कैसे बनाओगे, बनाने की जरूरत नहीं है, खुद फॉर्म ही बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो टूल को लाना है, टूल बार जो टूल्स है, जो फॉर्म टूल से आप बनाओगे फॉर्म उसको लाना है। अब इसको कैसे लाओगे, होम में जाना, होम में नहीं देखिए यहाँ पर ही मेरा ऊपर में देखिए थोड़ा सा एक्सेस टूल बार का कुछ मेनू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो बटन है ना इसी बटन में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसी में क्लिक करने के बाद जाओगे कहाँ, मोर कमेंट्स, इसमें क्लिक कर देना है। जब ये मोर कमेंट्स ओपन किया हूँ, देखिए आ चुका है। इसी के अंदर में क्या करना है, जो पॉपुलर कमेंट्स है ना इसको चेंज कर दीजिए। अभी कहाँ पर जाना है, इसमें जाना है कमेंट्स नॉट इन द रिबन, इसमें जाइए। इसमें जाके ना इसमें आपको ढूंढना है फॉर्म कहाँ पर है। एक बार देखिए क्या कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकली सजा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे आइए, फॉर्म, ये फॉर्म आ चुका है। इसको क्या करना है, ऐड हो गया। अभी क्या करना है, ओके जब भी करोगे देखिए मेरा बगल में फॉर्म आ चुका है, देख रहे हैं ना, फॉर्म डिस्प्ले भी हो रहा है। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं है, कर्सर को क्या करना है, डेटा में रखना है, कोई सब एरिया में डेटा में रखना है, रख दिए। अभी कहाँ पर जाना है, फॉर्म में क्लिक करना है। जब भी आप फॉर्म क्लिक करोगे, मशीन आपका सामने एक फॉर्म बना के दिया है, ऑटोमेटिकल एक फॉर्म क्रिएट करके दिया है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड 2 नंबर हैदर अली है, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड देखिए रोहित है, ठीक है ना। तो हम सब सर्च भी कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो नया एंट्री कीजिए, न्यू एक एंट्री करके हम सब देख लेते हैं एंट्री कर पाता है कि नहीं, फॉर्म मतलब क्या एंट्री करते हैं। 04 यहाँ पर देते थे राम कुमार, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 05/06/2020, डिपार्टमेंट कुछ भी कर देते, एडमिन कर देता हूँ। अभी सिटी कर देता कोलकाता, और कुछ सेल कर देता हूँ 12,400, एंटर, ठीक है। जब भी मैं एंटर किया हूँ देखिए कितना सुंदर मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एंटर हो चुका है। हाँ अभी रेट क्यों दिया, रेट हम सब डुप्लीकेट लगा के रखे इसलिए रेट दिया, उसमें मत चाहिए, ठीक है। अभी फॉर्म हम सब फॉर्म एंट्री कर रहे हैं, तो आपका सामने में एंट्री किया हूँ, देख रहे हैं 4 नंबर एंट्री हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, कौन सा रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मानो 4 नहीं मुझे थोड़ा सा प्रीवियस करके 3 नंबर को डिलीट करना है, रोहित रॉय को, ये रोहित रॉय, डिलीट में क्लिक करके देखिए डिलीट हो रहा है कि नहीं। जब भी ओके कीजिए देखिए डिलीट हो चुका है। तो ये जो फॉर्म का कमाल देख रहे हैं ना, आपको ऑलरेडी कंप्यूटर बना के दिया है फॉर्म, आपको फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका क्राइटेरिया, जितना भी आपका फील्ड हो, आप सब बना लीजिए, बस ऐसे तो ऑटोमेटिक बना हुआ मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, फॉर्म में क्या करते हैं, सर्च करते हैं, एंट्री करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐसा भी तो करते हैं फॉर्म में, ठीक है। तो ऑलरेडी कंप्यूटर आपको बना के दे देगा, बस इसी से आपको एंट्री करना है, डेटा एंट्री करना है, कोई सा रिपोर्ट रखना है, कोई सा स्कूल का रिपोर्ट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सब फॉर्म का थ्रू ऐसा रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, हम सब एक्सेल में क्या बनाए, फॉर्म बनाए, वो भी विदाउट VBA का कोड। VBA कोड से तो बना सकते हैं, बट जिसका VBA का नॉलेज नहीं है वो कैसे बनाएगा, तो वो क्या फॉर्म बना नहीं पाएगा, हाँ फॉर्म बना पाएगा, वही तो आज दिखाएं। विदाउट VBA का नॉलेज से भी आप फॉर्म बना सकते हो, कंप्यूटर आपको बना के ही दे दिया, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक था, ओके गाइस। तो आज आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर जब नया कुछ मिलेगा तो आप सबके सामने हाजिर हो जाएंगे। ओके बाय, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।